हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश और मैं नाश्ता वास्ता कर ली हूँ। तो अब बहुत ठंडा मौसम भी हो गया है दोस्तों, और नाश्ता वास्ता कर ली हूँ। शेंकी के पापा की थी नाइट ड्यूटी, तो वो आए हैं नाश्ता वास्ता करके, लेट गए हैं और मैं ऊपर आई हूँ छत पे मौसम देखने। तो दिखाते हैं आपको चारों तरफ का नज़ारा कैसा है। ये हमारी तुलसी माता, और यहाँ पे देखिए बारिश आ गई है तो ग्राउंड में पानी तो आ ही जाता है, और कोई नई बात तो है नहीं यहाँ। और आपको दिखाते हैं चारों तरफ ग्रीन लोकेशंस। देखिए कितना हरा हरा हो रहा है, और बादल देख लीजिए, बादल भी अभी छाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और लगते हैं आज के कामों में, और फिर शेयर करते हैं आपसे। ये फुलवाड़ी, तो ये कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये मिर्ची का प्लांट, तो इसमें मिर्ची आ रही है, मिर्ची लगी है। और दोस्तों ना, ये ग्रीन ग्रीन देखकर बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा हो जाता है मन, सुबह की मॉर्निंग अच्छी हो जाती है। तो और इधर देखिए घर मकान सब बने हुए हैं। यही लोकेशन है हमारे घर का, व्यू है। तो ठीक है, चलो फिर चलते हैं नीचे, मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे तार है, एक तार पे चिड़िया बैठी, मैं आपको जूम कैमरे से दिखाती हूँ। ये पानी की बूंदें आ गई हमारे ऊपर टपक कर, अभी दिखाते हैं। इस तार पे चिड़िया कैसे बैठी हैं, ठंडे मौसम में आ जाती हैं चिड़िया। और ये पानी भरा हुआ, सामने है मंदिर, एकदम बिल्कुल सीनरी के जैसा लगता है ना दोस्तों, जैसे कोई सीनरी हो। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ठंडा ठंडा मौसम में, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर निकल रही हैं गाड़ियाँ, ये जा रही हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा है। देखिए ये पानी टप टप गिर रहा है, तो हमारा फोन भीग जाएगा। तो दोस्तों हम नहा धो लिए हैं और नहा धो के हो गए हैं फ्रेश, और अब हम बनाने जा रहे हैं मोमोज, क्योंकि मेरे पास मैदा रखा है, सोयाबीन भी बहुत सारी रखी है, तो हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। तो चलिए दिखाती मोमोज। ठीक है दोस्तों, बने रहना इस ब्लॉग में, और आप लोग का इस ब्लॉग में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने प्याज और हरी मिर्च को तेल में डाला है, पहले इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे सोयाबीन का कटा हुआ चूरा। ये नेचुरल चूरा नहीं है, इसको बड़ी को मैंने पहले गर्म पानी भिगोया था, उसके बाद मशीन से काटा था, जो प्लास्टिक की मशीन आती है मिक्सी ग्राइंडर जैसे कहते हैं, उससे काट लिया है, अच्छे से चूरा बन गया। तो मैं इसको अब इसमें फ्राई करूँगी, और फ्राई कर लेते हैं तो इसको अच्छी सी खुशबू आती है नेचुरल एकदम से बेहतरीन सी। और मैं इसमें कोई सॉस वगैरह नहीं डालूंगी, बस नेचुरल सोयाबीन ही से बनाऊंगी सिंपल से मोमोज। देखिएगा आप सोया चंक्स के। दोस्तों ये सोयाबीन को मैं फ्राई कर रही हूँ, मैंने काट लिया था, इसको गर्म पानी में भिगो के मशीन से काट लिया, उसके बाद इसमें नमक मिर्ची धनिया ये सब डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद मैं इसको ठंडा होने रख दूंगी। इधर चटनी की तैयारी चल रही है, इस सिलबट्टे पे मैं चटनी पीसूंगी। तो ये टमाटर काट लिए हैं, मैं बॉईल नहीं करती हूँ, ताज़े फ्रेश टमाटर की चटनी बनाती हूँ। ये लहसुन साफ़ करी हूँ, लहसुन साफ़ करके और टमाटर को पीसूंगी इस सिलबट्टे पर, उसके बाद इसमें नमक डालूंगी, मिर्ची डालूंगी, क्योंकि साबुत खड़ी नहीं है तो मैं पिसी ही डालूंगी, और कम समय में जल्दी चटनी रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों चटनी इस पर मैं बना लूँगी सिलबट्टे पर। अभी देखिए मैं इसको पीस रही हूँ, तो चटनी हमारी रेडी हो जाएगी फटाफट, उधर चूरा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं आटे का डो लगाऊंगी, उसके बाद फिर मोमोज बनाऊंगी। और आज बारिश हो रही थी तो तीखा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने मोमोज बनाया। देखिए चटनी रेडी हो गई हमारी। अब ये मैदा है, तो मैं इसको, ये 250 ग्राम तक मैदा है, इसको मैं डो लगाऊँगी
और बनाऊंगी। क्वांटिटी आप लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना दोस्तों। तो मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ। मैंने अच्छे से पत्थर को धोकर साफ़ कर लिया है और इसमें मैंने बड़ा सा पूरी बना लिया पराठा जैसा। अब इसमें से मैं ग्लास से काट लूँगी मोमोज की शीटें, तो जल्दी काम हो जाएगा। वैसे एक एक बनाओ तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, अच्छी शीटें रेडी हो जाती हैं और टाइम भी कम लगता है। तो ये देखिए मैंने सारी शीटें रेडी कर ली हैं मोमोज फिल करने के लिए। मोमोज भर लूँगी इसमें, सारी स्टफिंग फिल हो जाएगी, उसके बाद मैं इनको स्टीम करूँगी। तो देखिए मैं इसको शेप बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैंने कितनी जल्दी बना लिया है गोल सा। उसके बाद मैं आपको दूसरा मोमोज बना कर दिखाती हूँ। देखिए जो लोग बैचलर होते हैं, जेंट्स वगैरह होते हैं, उनको नहीं आता है, तो ये देखिए देख लीजिए किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए बस कुछ नहीं, एक दो इसमें चुनटे डालते हैं बस कपड़े के जैसे, और बस इसको मुँह अच्छे से दबा देते हैं कि खुले ना, बाहर ना आए सोया चंक्स। ये देखिए बना लिया। और घर के मोमोज बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी। आपका जितना मन करे उतना सॉस डालो, बाहर वाले सॉस और मसाले वगैरह ज़्यादा डालते हैं तो उससे हेल्थ ख़राब हो जाती है, नुकसान होता है। घर के फ्रेश मोमोज खाइए। मैंने प्याज और नींबू भी कट कर लिया। ये देखिए स्टीम हो गए हमारे मोमोज, अब मैं इनको खाऊंगी, तो आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। हमारे मोमोज, प्याज, नींबू और ये थी चटनी। दोस्तों देखे जीत अब जग गए हैं, हमने बना लिए हैं, अब ये खाएंगे। सोके उठे सोके नाई ड्यूटी है, आज सैटरडे है, कल है संडे, कल ये खूब बोलेंगे। दोस्तों देखिए मैं अपने घर की आटा वाली छलनी में जुगाड़ बना के बॉइल कर लेती हूँ। दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी बहुत जूसी बने। अच्छा लग रहा है। और शैंकी हमारे लीजिए दोस्तों, खा लीजिए। और शैंकी हमारे खाते हैं उसकी सोयाबीन निकाल कर, ए जे खा ले जाओ। अब बाबू खाएगा ही काले काल कर, प्लेट में रख लो, लो बेटा जी यहाँ पे रखो, खाओ इसमें। गुड्डा गिर गया। नींबू में चोड़ लो प्याज पे ए? तो दोस्तों खा लीजिए, ये लग तो खा रहे हैं, लग गए हैं खाने में, वही कितने जूसी बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज हुई थी बारिश तो इसलिए मैंने चटपटे तीखे मोमोज बनाए। आ रहा है शेंकी को मजा आया? तो दोस्तों शेंकी पी रहे हैं दूध, लेट के ये उठ गए हैं, निन्नी हो गई। शेंकी हाय कर दो, शेंकी कर दो बाय बाय, हाय 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 बाय बाय। मम्मा कर दो ऐसे, कर दो हेलो दोस्तों, कर दो मेरे चैनल को, कर दो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोल दो, कर दो लाइक, बोलो कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये बाप बेटे लेटे हैं दोनों। दोस्तों हम जा रहे हैं नीचे, शेंकी हमारे आ गए हैं, हम यहाँ पे आ गए थे और इस पे बैठ गए थे आके खम्भे पे, तो अब जा रहे नीचे क्योंकि बारिश आ गई है। और मैं मोमोज खाई थी तो मैंने सोचा थोड़ा चल फिर लें, थोड़ा पच जाए, तो इसलिए आई थी ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, इधर ये एरिया बहुत अच्छी लगती है, पानी वगैरह भरा एकदम सीनरी के ही जैसा लगता है।
और बादल आ रहा है देखिए दोस्तों कितनी जोर का, और यहाँ तक कि बूंदे भी पड़ने लगी हैं। शैंकी चले नीचे, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, इन प्लांट का ले लीजिए। शैंकी फोटो खिंचवा लो, यहाँ पे फूलों के पास आ जाओ, आ जाओ खींच दो। ये शैंकी हेलो करो, शैंकी नो छूना नहीं बेटा, बेटा 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 छूना नहीं, शैंकी हाय कर दो, हाय शैंकी हेलो करो, इसमें जल्दी करो जल्दी करो, हेलो हाय। अरे करो इसमें मम्मी ओची कोची। हाँ मेरा बाबू तोड़ता नहीं है, दिल से ही देखता है फूल, चाहे कुछ भी हो तोड़ेगा कभी नहीं। आज का यहीं तक रखते हैं वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और मैं खा रही मिश्री, मुझे लग रही थी मिर्ची, तीखी चटनी खाई थी वो मुश्किल, इसलिए तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, बाय।